आपका मेरे चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक वाक्य है, उन्होंने कहा था कि सफल लोग तो सिर्फ सफलता हासिल करते हैं, पर जो लोग असफल हो जाते हैं वो एक अनुभव हासिल करते हैं और वो अनुभव सबके बहुत काम आता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही विद्यार्थी है जिन्होंने कहीं कठिन रास्तों पर चलकर सफलता हासिल किया। एक ऐसा विद्यार्थी जो हमारे पास जब आया था तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हो पाया था क्या वो बच्चा आपका ट्वेल्थ बोर्ड में पास भी कर पाएगा और वो फर्स्ट डिवीजन लेके आया था। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो मेरे पास सिर्फ एक महीना पहले आया था और उसे कोई भी चैप्टर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। तो आज हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर उन्होंने इन असुविधाओं से या फिर जो परेशानियां उनके साथ थी, जो भी बीत गया उससे लड़के उन्होंने कैसे सफलता हासिल की, ताकि एक हर बच्चों के लिए एक मोटिवेशन मिले। ये खुद में एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो हम उनसे ही जानते हैं। तो वैभव बताइए आप कि जब आप मेरे पास आए थे उस वक्त जब कब आए थे, मतलब याद है कोई डेट, कितना समय बचा था एग्जाम के लिए? ओनली वन मंथ लेफ्ट। वन मंथ, तो क्या उस वक्त कैसा था कि क्या आप कितना नंबर ला सकते थे उस वक्त की प्रिपरेशन से? आई डोंट थिंक, मुझे तो मालूम नहीं था मैं पास भी कर सकता कि नहीं कर सकता। और शायद उस वक्त प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें कैसा लग रहा था? उसमें मैथ में मेरा क्रॉस लग गया था, मैथ में क्रॉस लगा था और लग रहा था कि आप एकदम बिल्कुल डरे हुए थे कि फिजिक्स को लेकर खासकर। फिजिक्स में सर, फिजिक्स कम से कम हमें बता दीजिए कि फिजिक्स में क्या होगा, तो क्या डर था, तो क्या हुआ था? आपने जो प्रिपरेशन किया था कहाँ से प्रिपरेशन किया था आपने? क्लास करता था कास इंस्टीट्यूट। ओके, तो क्या हुआ, मतलब कि ऐसा क्यों था कि आपने दो साल पटना में तैयारी किया और अच्छे स्टूडेंट थे? क्योंकि मेरे पास जब आते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन जब कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि आपने टेंथ तक बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, टेंथ तक सब चीज़ सारे सवाल बता देना, पर जो भी टेंथ से ऊपर थे आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं आ रहे थे, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आ रहे थे। मतलब एक तरह से ऐसा हुआ कि जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि हम बंदूक चलाना नहीं पता, उसको निशान लगाना सिखाना था और भी एक महीना में ट्रेन करके उसको ओलंपिक का मेडल दिलाना। तो मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हमने गार्जियन से भी कहा कि, लेकिन आपका मैंने मेहनत देखा कि आप इतनी मेहनत कर रहे थे, डेली 5 घंटा 6 घंटा क्लास करने के लिए तैयार थे। तो मैंने, मुझे भी लगा मोटिवेशन कि अगर ये कर सकता तो किया जाए, उसको किया जाए और आपने किया भी। तो हम मतलब एक अपने व्यूअर को भी बताना चाहते हैं कि आपने कैसे किया और क्या मोटिवेशन चल रहा था, क्या दिमाग में, क्योंकि आपके पिताजी आए थे, आपको याद ही होगा, उन्होंने कहा था, हाथ जोड़े थे कि मतलब कि कैसे भी इसका निकाल दीजिए, जो बहुत बेइज्जती होगी। और मैंने सब जवाब भी दिया था, मैंने जवाब दिया था कि यहाँ बच्चे का करियर का सवाल है और आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, मैं साफ साफ में याद होगा मैंने कहा था। तो मतलब आप, ऐसा क्या हुआ था पटना में एक्चुअली, ऐसा क्या हुआ था, क्या आपने क्लास नहीं किया या फिर क्लास किया फिर आपको समझ नहीं आया, क्या दिक्कत थी? मोस्टली मैं एक दिन क्लास नहीं किया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, एडवांस लेवल का सुनने से एडवांस लेवल का आ रहा था। तो आपने आपने ये क्या पेरेंट्स को बताया था कि हमें समझ नहीं आ रहा, ये लास्ट में बताया आपने? लास्ट में इसलिए बताया, मोस्टली लेवल तो मुझे ठीक ठाक समझ में आ रहा था। अच्छा, इलेवन समझ में आ रहा था, ठीक है, लेकिन ट्वेल्थ में पता नहीं मुझे थोड़ा सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह से। हाँ बताइए। तो ट्वेल्थ में अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था। तो आपने इंतजार क्यों किया कि हम पूरा ट्वेल्थ खत्म होने दें, जब समझ में नहीं आ रहा था तो आपको इस पर डिस्कस करना चाहिए था पेरेंट्स से? और क्या ये बच्चे, मतलब आप ही के साथ ऐसा हो रहा था कि आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ऐसा हो रहा था? मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ भी ऐसा हो रहा था, मतलब कि मतलब हिलसा में हम ये मान के चले कि बेस मतलब थोड़ा सा नीचे रहता है, एकाएक पटना जाते हैं या फिर कोटा जाते हैं, क्योंकि हम भी कोटा में पढ़े, मेरे फ्रेंड्स ने भी कोटा में, हम लोगों ने साथ तैयारी की, यहाँ है सर पीछे कैमरे के पीछे, तो वो भी कोटा में तैयारी की, तो उनके साथ भी यही दिक्कत आया था कि हम लोगों का लेवल कम रहता है और सीधे शायद वो बढ़ जाता है और फिर वो ध्यान भी नहीं देते हैं उस पर बच्चों के, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अपना ही धुन में चलते हैं, ठीक है, ना ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको अपना रहता है, ये दिक्कत आ रही है। yes. तो ये दिक्कत तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी गए होंगे आपके फ्रेंड्स सबको आ रही होगी। yes, sir, mostly students को आ रही थी। तो क्या आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि पटना जाना कितना सही रहता है? भाई ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ का नुकसान और फायदा तो रहता है। तो आपको मोस्टली पटना सही होता है क्योंकि पहले से बेस्ट प्रिपरेशन पर होना चाहिए, बेस्ट तुरंत तैयारी होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप 11th 12th टेंथ के साथ अब 11th कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं कि
टेंथ कम से कम स्कूल लेवल पे यहाँ पे लेवल बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, तब जाके वो पटना कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, तो पूरा व्यवस्था है हर जगह, बच्चे अलग जगह पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में तो वो नहीं होने वाला। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 11-12 तक बच्चे हो सकता है कि रुक जाए यहाँ और यहाँ प्रिपरेशन कर लें, और उसके बाद क्या कर सकते हैं टारगेट क्लासेस, जैसे कि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं करने, ये भी किया जा सकता है। Yes. और भी बताइए कुछ, जैसे कि आपने टेंथ कहाँ से किया, किस स्कूल से किया? मैं टेंथ डीए प्रोसेस स्कूल से, यानी कि हिलसा का सबसे बेस्ट स्कूल से आपने किया था, या मानते हैं आप सबसे बेस्ट स्कूल में थे आप, ये भी प्रोग्रेसिव स्कूल में थे। उसके बाद मतलब कि पटना आप गए, ठीक है, पटना गए और लास्ट में आया। तो अब मैं आपको वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए, मेरे पास आए, तो मतलब कि आपके पास कोई सब्जेक्ट का प्रिपरेशन था नहीं, तो उसके बाद आपने क्या दिमाग में चल रहा था, क्या आप कर लोगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा? वो तो लग रहा था कि मुझे मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन मोटिवेशन कैसे आया, क्या टीचर ने, मैंने कुछ ऐसा बोला, गार्जियन ने ऐसा बोला? सर आप ही तो सर दया कि मोटिवेट कर रहे थे, फिर गाइड भी कर रहे थे। अच्छा, वो तो मानते हो कुछ फायदा तो हुआ है। यस सर, टीचर पहले तो मुझे नहीं लगता कि जैसे कि आप आए थे, कौन कौन सब्जेक्ट में यहाँ पढ़े थे? मैथ और फिजिक्स, और मोस्टली केमिस्ट्री भी मतलब कवर किया आपकी। मुझे याद है कि आप लास्ट केमिस्ट्री हम खुद से कर लेंगे। यस सर, मैथ भी कर रहे थे कि एग्जाम के समय हम कर लेंगे, सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए हमको, फिजिक्स में कुछ भी पढ़ लेनी पड़ता, फिजिक्स में पूरा थी आप कह रहे थे, फिजिक्स मैं तो फिजिक्स बस पढ़ा दीजिए, मैथ तो कहीं लेंगे। फिर मैंने कहा कि मैथ एक दिन में तो नहीं होने वाला। यस सर, कम से कम डेली मैंने आपको मैंने पढ़ाया भी और स्ट्रैटेजी भी सही बनाई मैंने आपको। हर वक्त क्या किया, आपको एक टॉपिक पढ़ाता था, यही है कि देखिए मैं पढ़ा तो सही बच्चों को रहा, बहुत सारे बच्चे तो हम पे यकीन ही नहीं कर पाते, उसको मैं कहूँगा कि यार 80% ही पढ़ो, 20% चीजें छोड़ दो, वो कहेगा सर 20% सर को आता ही नहीं होगा। आपने कभी ये प्लेट को मेरे से सवाल नहीं पूछा, मैंने टीजम आपको नहीं पढ़ाया। Yes. ठीक है, आपने प्लेट को मुझसे सवाल नहीं किया सर, हो सकता अभी को ना आता हो, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया था मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन। देखिए तो ये है कि आप टीचर पर यकीन कितना करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। जो बच्चा खुद ही बता रहा है मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर छोड़ा था और मैंने कहा था कि मैंने जो भी आसान आसान चीज बताया था इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, बताया था ये, जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा ही आपके साथ घटा भी। उसके बाद मैंने क्या किया था कि आपको थोड़ा सा पढ़ाता था, मैंने सिलेबस भी कह दिया था कि देखो हम लोग करेंगे कि भाई जो रेगुलर आता उस सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता उससे ज़्यादा फोकस, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा था। आपने विश्वास किया, आपको रिजल्ट मिला। उसके बाद हमने क्या किया था, शुरू में आए सिलेबस बहुत था, होता है हर टीचर क्या करते हैं एकदम अकबकाहट से जल्दी जल्दी पढ़ाते चले जाते हैं। मैंने क्या किया, आराम से, जब भी मेरा स्ट्रैटेजी है कि जब भी ज़्यादा टेंशन हो, तकलीफ हो, आराम से सो जाइए, रिलैक्स उठिए, उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कैसे करना है। आपने भी मुझ पर यकीन किया, मैंने आपसे कहा कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया और मैंने उसके बारे में पढ़ाया आपको, दिया कि उसको पढ़ो, पहले पढ़ो, कुछ पूछना है उसमें पूछो, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो। मैंने पर्याप्त समय दिया एक ही जगह पे कि आप पर्याप्त ध्यान से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आराम से सीखिए, मैंने पूरा समय दिया आपको। यस, उसके बाद आपने उसको गेन किया और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बाद केमिस्ट्री का क्या हुआ? केमिस्ट्री का भी मतलब दो सब्जेक्ट तो आप मेरे साथ माथे पे, केमिस्ट्री सर जो आप जो लास्ट में बताया थे उससे बहुत कवर है, वही काम है, कवर अप है सर, ये तो आप मानते हो। यस, आप क्या पढ़ के गए थे आप? ये मेरे पास जब आए, मेरे पास कहा गया था, मेरे पिताजी आए थे, मुझे कहा गया था कि फिजिक्स और मैथ कवर कर दीजिए। मैंने पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, मैथ डेली एक घंटा बताया जाता था, क्वेश्चन बना बच्चा बना के लाता था, ठीक है। उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री मेरे पास आया, केमिस्ट्री का दो दिन बचा था एग्जाम का, शायद दो दिन बचा था, एक हफ्ता, एक क्या एक हफ्ता पहले हमने तैयारी की थी, दो दिन एग्जाम से दो दिन पहले, दो दिन पहले, दो या तीन दिन पहले हमने आए थे। तो केमिस्ट्री पढ़ने कितने दिन, मतलब केमिस्ट्री हमने कब स्टार्ट किया था? दो दिन पहले आप स्टार्ट किया था हमने। उसमें क्या हुआ था कि आपने ही कहा था कि हम केमिस्ट्री कर लेंगे, कर लेंगे, तो उसके कारण मैंने उसको छोड़ दिया, थोड़ा छोड़ दिया। अंत में मैंने कहा था कि लेके आओ उस पर देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टिक करा था। तुम उसी दिन भी कह रहे थे सर फिजिक्स बता दीजिए, फिजिक्स में बहुत बचा हुआ है, तुम फिर उसमें आप मकाहट दिखा रहे थे। मैंने कहा कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितना करा देंगे उतना से हो जाएगा, उतना तो करो पहले, यही कहा था ना। Yes, तो फिर भी आप मका रहे थे। उसके बाद आप आए, केमिस्ट्री हमने चेक किया, क्या हुआ था केमिस्ट्री में? मोस्टली नहीं आ रहा था क्वेश्चन, मैंने एक महीना में
दो सब्जेक्ट कवर किए, और ये बच्चा खुद से कह के गया था कि केमिस्ट्री मैं खुद से पढ़ लूँगा, और पढ़ के आया तो पहला चैप्टर नहीं मालूम, दूसरा चैप्टर नहीं मालूम, तीसरा चैप्टर नहीं पता सर, अभी तक नहीं पढ़े हैं, दो दिन बाद एग्जाम है नहीं पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़े हो, तो पीछे का तीन चैप्टर चार चैप्टर पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इक्वेशंस मैंने, वो भी कहाँ, कोई पीडीएफ हमने निकाला था प्रिंट आउट और उसको आपने रटा था, और मैंने क्या बताया था कि इक्वेशंस क्या तुम्हें याद हो गए, क्या यही आएगा, नेम इक्वेशन कोई जरूरी नहीं है, कितने क्वेश्चन उससे पीडीएफ से लड़े थे, नेम इक्वेशन मोस्टली ऑर्गेनिक लड़ गया था, लड़ा था, वो किस्मत है, क्योंकि जरूरी थोड़ा नहीं है कि इक्वेशंस जो पढ़ के जाओ वही आ जाएगा, हो सकता है तुमने सारे रट लिए हो तो आ गया हो, यस सर, तो ये भी तो चांसेस था आपके पास, कोई नहीं रिस्क तो था, याद कर लिए थे वो रोड मैप इसलिए थोड़ा सा डर गया था आपका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एक ही दिन में हमने कितने चैप्टर देखे थे, कौन कौन चैप्टर देखे थे याद है, शुरू पहला चैप्टर कौन सा था, पहला सेमीकंडक्टर। तो अंत में आप मतलब जो बच्चे हैं जो बहुत सारे सपने लेके आए हैं कि हमको करना, जैसे टेंथ जैसे भी बच्चे करते हैं, देख रहा हूँ मैं सीबीएसई के अधिकतर बच्चे बाहर जाने के लिए करते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि तैयारी करके जाइए, क्या करना चाहिए, क्या आपका विचार है? मुझे लगता है फाउंडेशन वाइज करके जाना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब हिलसा में प्रिपरेशन हो सकता है? आराम, यस सर, मुझे नहीं मालूम था, अब मोस्टली लगता है कि फाउंडेशन तक हो सकता है। क्लासेस के बारे में आपको पता कैसे लगा था? सर मनीष सर मेरे कॉन्टेक्ट में थे, मेरे खुद स्कूल का टीचर। अच्छा, बहुत लिंक किया बहुत उन्होंने सर से। यस सर। अच्छा, मनीष सर उन्होंने बताया था? यस। अच्छा, वो बताए थे शांति क्लास में चले जाइए कि हाँ उससे हो जाएगा आपका। तो आपको सोचा था कि मतलब दो सब्जेक्ट एक टीचर दिन भर करके पढ़ा देंगे आपको? मुझे नहीं लग रहा था कि दिन को अधिकतर ज़्यादा जाता था, तो यही बोलते थे कि नहीं वन या दो आवर मोस्टली स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा। सिंगल बच्चों को पढ़ाने के लिए सिंगल तैयार होंगे? ना ना, सिंगल बच्चे को 5 घंटा हिंसा में पढ़ाने के लिए ना, मुझे नहीं लगता है कि जो थोड़ा कॉपरेट। तो देखिए, अगर आप मेहनत करने के लिए बच्चे का तैयार होते हैं तो टीचर तो सजग रहते ही हैं। यस, बस आपको भी थोड़ा ढूंढना क्या है, आपको पता रखना है। बहुत सारे गार्जियंस इंक्वायरी करते नहीं है, पता करते नहीं है। अगर आपको बच्चे का सीरियसनेस चाहिए, जैसे कि आपका भी क्या हुआ, अगर आपके भी गार्जियन अगर रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं आपका, अब देख चले गए वहाँ, अगर उससे पूछते रहते हैं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर वो लगातार आपसे पूछते रहते हैं तो आपको पहले से ले आते हैं। yes. जैसे आपने पिताजी ने कहा था हमसे, जैसे आप प्री बोर्ड में फेल हुए तो तुरंत वो आपको कहे कि भाई चलो हिलसा चलो, जो भी पढ़ना है आप हिलसा ये कहा था। हाँ, तो जो बच्चे आपके पास रुक गए, ठीक है, उनका क्या रिजल्ट हुआ, कैसा रहा उनका? मेरे सर्किल में 5 स्टूडेंट्स थे, उसमें 3 क्रॉस लग गया है। 3 का क्रॉस है, कौन कौन सब्जेक्ट? मोस्टली मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब दिक्कत हुआ? यस सर। तो उन लोगों को क्यों नहीं लेके आया अपने साथ? उसमें मुझे क्या, वो हिलसा थोड़ी हिलसा नहीं थे, हिलसा के बाहर के भी आपके। यस सर, ठीक है। तो अंत में आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेंथ बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फाउंडेशन वे तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपन जो आप ये मानते हो कि कंपटीशन के लिए स्पेशली बाहर जा स्कूल लेवल तक मतलब वो बेस नहीं रहता है कि आप पटना जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये हमने ही फेस किया, उधर ही फेस किया। और एक और चीज़ मैंने जो फेस किया कि मैंने भी जब मतलब किया था रिटर्न से, मैंने तो 2007 में ही किया था, 2009 में मैं 12 देने गया था, तो 2009 में मैंने किया था, तो जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद मैंने देखा कि बोर्ड का कुछ उन्होंने पढ़ाया नहीं है। तो हमने भी वो स्टेज झेला था कि एक महीने मैंने कंप्लीट किया था, पर मेरा कुछ पढ़ा हुआ था तो मैंने कंप्लीट किया था उस चीज़ को, तो मैंने इसलिए ले लिया कि मैं कंप्लीट करा दूंगा। पर जब आपका लेवल देखा कि यार इसको कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे भी लगने लगा कि यार कर पाया कि नहीं कर पाएगा। फिर आपकी मेहनत ने, मैं अपने से ज़्यादा आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपकी मेहनत ने बेसिकली कि कोई बच्चा 5 घंटा, कौन बच्चा है जो 12 बजे तुम आते थे मुझे पता है, और मैंने कभी देखा नहीं कि आप उस चेयर से कभी उठे हो, मैंने कभी देखा कि पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए आप कभी उठे भी हो चेयर से। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, बहुत बहुत बधाई आपके पिताजी को भी जिन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। कई आपके फ्रेंड्स रह गए वहीं, उन्हें क्रॉस भी लग गया, चलिए खैर हम उम्मीद करेंगे वो अच्छा कर लें आगे। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। धन्यवाद।